नमस्कार मु सत्यंजन दास ओडिशा रो खोर्धा जिल्ला रो गोटिया छोटिया ग्राम ब्राह्मण शरण रे मोर जन्म मु जने आर्ट प्रैक्टिशनर एंड रिसेंटली मु दिल्ली रहुची मु आर्ट प्रैक्टिस करुची मु पेंटिंग करुची एंड रिसेंटली मु टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन रे असिस्टेंट प्रोफेसर भाबरे जॉब करुची एंड बहुत बहुत धन्यवाद देवी टैलेंटेड ओडिशा टीम मेंबर्स मानक आ खास कर देवाशीष भाई को जी मत मो जर्नी एंड एक्सपीरियंस विषय आपन मानक शेयर करने सुजोग दे बहुत बहुत धन्यवाद देवी मोर टीचर्स मो पेरेंट्स मो बापा माँ को जी मत मत इंस्पिरेशन दे मत आग को जीवापी मो क्यारियर को नहीं चिंता करते मु बीएफ इन पेंटिंग बैचलर 2014 रे बिक्की कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रे कंप्लीट कली एंड मास्टर्स मोर एमएफए इन पेंटिंग मु कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी रे 2020 रे कंप्लीट कली मु बहुत बहुत खुशी टैलेंटेड ओडिशा रो एई पदक्षेप पई जे से यूथ मानो को सपोर्ट करुछंती एंड मेसेज भी दौंती आगे जावाई तो मु बहुत खुशी आपण मान आगे मोर ये एक्सपीरियंस शेयर करी एंड मो जर्नी को शेयर करी पेंटिंग करिबा आर्ट करिबा मु पिला बड़ रो मोर इंटरेस्ट थिला मु ड्राइंग करथली इवन मु स्कूल लाइफ रे मैथ कॉपी ड्राइंग करे तापर मु मो माँ ठारू भी मुझे ड्रईंग करा शिखी कहीं माणवसा गुरुवार जिते बड़े मो माँ झोटी पका तो बस बस शिखे से केमी झोटी पकाउंट केमी डिजाइन करा भी मोर गोटे इंस्पिरेसन मो आग जावाई मो कम करने आर्ट कॉलेज पढ़ापी मोर बहुत इच्छा था 10th पर मुझे चाहती आर्ट कॉलेज पढ़ेबी तापर मो बापा भी मत सब सपोर्ट करते मो बापा चाहते मु आईटीआई करे इंजीनियरिंग करे तो मोर से सब इंटरेस्ट नथिला तापर धीरे धीरे बापा जानीगले जो मो स्कूल लाइफ रे मो ड्राइंग कली किसी किसी कंपिटिशन रे प्राइज मिलला तो से बापा भी मत सपोर्ट कले ना से ये लाइन में जावाक चाहूँ तो सी आर्ट करू तो तापर 10th पर जिते भावी कि 10th पर बोधे आर्ट कॉलेज पाठ पढ़ती मो बापा पचारे बापा जा 10th पर पचारे कि प्लस टू पर एडमिशन होता मो टाइम तो बापा मोर तो बापा भी गले तो प्लस टू पर बुझा बुझी कले कि आर्ट कॉलेज पढ़ापी तो मुझे प्लस टू मतलब अपेक्षा कली प्लस टू पर मोर एडमिशन है फॉर्म बाहर मुझे पकेली एंट्रांस पास कला मत एडमिशन मिलता बीके कॉलेज बीके कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे मोर आर्ट कॉलेज कैरियर स्टार्ट मो पाठ पढ़ा स्टार्ट से आर्ट कॉलेज मुझे जान नी एत कष्ट पड़े आर्ट लाइन में कहीं समझ हमें आर्ट मैंने तो एमती हम किसी ड्रॉइंग करदे किमती किसी ना कि बहुत पाठ पढ़ा पड़ी बहुत मेहनत कर बहुत कष्ट पड़ी तो बिना कष्ट तो किसी हो पार आर्ट पढ़ला एक्चुअली मो फैमिली टी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी पाठ पढ़ापी तो बाप मत बहुत कष्ट पाठ पढ़ाई आर्ट कॉलेज मोर
कम्प्लीट है बैचलर्स मोर बी एफ ए कम्प्लीट है मुझे बहुत कष्ट बापा मत पढ़ाई तो मुझे बापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देवी मत मत इंस्पिरेशन दे मत मत बहुत सपोर्ट कर प्लस टू जिते बड़े मोर धीरे धीरे मोर बैचलर्स चली मोर टीचर्स मानू से मत गाइड करते मो सीनियर मैंने मत गाइड करते सीनियर मानक बहुत कम शिखी स्केच करवा व्टर कलर करवा ड्रइंग करवा पेंटिंग करवा सार मैंने तो शिखा गाइड करते बट सीनियर मैंने बहुत हेल्प कर 2014 मोर बैचलर कम्प्लीट है 2014 मोर बैचलर कम्प्लीट है मास्टर्स करने चाहिए तो मास्टर्स मुझे जो कल्चर यूनिवर्सिटी अप्लाई करी से मोर होता सिलेक्शन बट मुझे कहीं लगुला कि मुझे बाहर को जी कम करी जेहेतु मो सीनियर्स मैंने बाहर कम कर ना है पेंटिंग कर मत भी कहीं कौट लगुला बाहर को जी तो मुझे दुई थर जा दुई वर्ष कल्चर यूनिवर्सिटी जा फर्म पकई मोर सिलेक्शन हो फेरिकी आसी फेरिकी आसी बापा भी मो सांगे जाती पैसा नहीं जाइए एडमिशन करने पी मना कर बापा मत मुझे पढ़े मु दिल्ली जी मुझे मास्टर्स करी से दिल्ली में भी अप्लाय करी थे हो नाला पुणी शांतिनिकेतन भी ट्राए करी कहीं से मोर एत आईडिया ना कि बाहर केमी कम होपर मुझे दु थर फेरिक आसला बापा मत रागिले कह तू पाठ पढ़ुनु मास्टर्स अधा रहा मास्टर्स करलुनु पाठ पढ़ा अधा रहा कहीं हो तू जॉब कर तापर मु आर्ट टीचर भाव में कम कली ओडिशा रे दुईटा स्कूल रे काम कली फास्ट वर्ड स्कूल रे काम करी एबीएस ऑक्सफोर्ड रे आर्ट टीचर तापर पुणी 2016-17 टाइम रे पुणी सेंट जेवियर स्कूल कटक रे भी जॉब करी आर्ट टीचर भाव में तापर से रहिला परे मते मु जॉब रे सैटिस्फाइड नथिली कहीं ना मते पाठ पढ़िबार अछि मते मास्टर्स करिबार अछि तो मु मास्टर्स पई अप्लाई करथिली कॉलेज ऑफ आर्ट 2017 रे मु मोर सांग जाइथिलु सेठी अप्लाई करथिलु सेठी अप्लाई कला परे मोर डीडी रे किसी भूल थिला जो डिमांड ड्राफ्ट थाए कॉलेज रो तो सेथरे मोर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाइथिला तो गोटे वर्ष पुणी मते अपेक्षा करया पड़िला तापर मु मो फेरिक आसली तापर से वर्ष मोर है पाठ पढ़ा 2017 रे घर को पलि आसली घर को आसला परे पुणी जड़े सीनियर भाई मते कॉल करते दिग्विजय खटुआ दिग्विजय भाई कि सत्य आस मो पाखे कम कर आसीस्टाट भाव मुझे हाँ भाई जेहेतु मुझे कम कली कम शिखिली बहुत किसी शिखिली पाखु पेसेंस केमी कम रखती कम मत बहुत इंस्पायर देता तो कमर मुझे भी शिखिली तापर मु भाई की कहती भाई मुझे मास्टर्स अप्लाई करी भाई मतलब बहुत हेल्प करते कि हाँ तू मास्टर्स कर तापर मत से चान्स मिलगला कि ना हाँ मत दिल्ली जबार गोटे चान्स मिलगला दिल्ली जी 2017 मु मास्टर्स अप्लाय करी तो दिल्ली आसली दिल्ली आसला प्राक्टिस कली 2017 अप्लाई कली मोर है ना पुणी घर पड़ी तापर पुणी आसली आपण कही आसिक प्राक्टिस कली भाई पाखे कम कली 2018 पुणी अप्लाई करी 2018 अप्लाय कला एंट्रेंस देली तापर जो 2017-18 जो गैप थिला दिल्ली रह कि मु निज काम कली कॉलेज ऑफ आर्ट रे पाइबा पई दिल्ली यूनिवर्सिटी रे पाइबा पई मु काम कली मु बहुत बहुत परिश्रम करी काम करथली से जो तीनटा काम करथली से तीनटा काम बहुत गुड़े काम करथली तापर से मु तीन चारटा काम नहीं जाइथली कॉलेज को एंट्रेंस रे तो से कम भी बहुत आप्रिसीएट करते जोरी मेम्बर्स तापर मोर सिलेक्शन भी होगा सिलेक्शन होगा बहुत खुशी होगली कॉलेज ऑफ आर्ट सीट मिलगला तापर मोर मास्टर्स कंटिन्यू चलला जो मोर
ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜ୍ ପାର୍ଟରେ, ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥାଏ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର 2 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥାଏ। ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ସଡ଼ନ୍ ହଠାତ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା 25,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ 2018ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲି କି ବାପା ମୋର ଏମିତି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟରେ, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିବି ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ପଠାଅ, ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସଡ଼ନ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବି ପସିବଲ୍ ନଥିଲା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ, ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ପଠାଇଲା ପରେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ସିନିୟର ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ତୁ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଡରେ ନା, ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଯଦି ପଇସାପତ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଯିବ, ସେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରାହା ମିଳିଗଲା, ନାଇଁ ହଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଥିବ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ, ଏହା ଭାବିକି ମୁଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ଇଲାପଣ୍ଡା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆର୍ଟ, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ମୋତେ ସ୍କଲାରସିପ୍। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂରେ, ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, କିଛି ମନି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଇଲାପଣ୍ଡା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆର୍ଟ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ କଲେଜ୍ ପାଠରେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ବି ମୋର କାମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଜୁରି ମେମ୍ବର୍ସ। ତାପରେ ମୋତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ପର୍ ଇୟର୍ 1,00,000 ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ 2 ବର୍ଷ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବି ମତଲବ ପାଠପଢ଼ା ବି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ମୁଁ କଲେଜରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲି, କାମ କଲି ମାଷ୍ଟର୍ସରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସର୍କଲରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍, ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷରୁ ମୋତେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା, କାମ କେମିତି କରାଯାଏ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟାଇମ୍ରେ। ମାଷ୍ଟର୍ସ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମୋର ବି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ 2020ରେ ମୋର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତା'ପରେ 2020ରେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା। ତ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅନଲାଇନ୍, ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କଲେଜ୍ ବାଟରେ ପଢ଼ିବା, ଥୋଡ଼ା ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, ତା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତ ହବାର ଥିଲା, ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ମାଷ୍ଟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ମାଷ୍ଟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଘରେ ରହି ବହୁତ ଦିନ ଘରେ ରହିଥିଲି, ତା'ପରେ ପୁଣି ଆସିଲି, ଆସିକି ପୁଣି ମୋର ନିଜ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସେଟଅପ୍ କରିବା, ପୁଣି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ପୁଣି ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଜବ୍ ବି ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ସେମାନେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜାଣିକି ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆସୁଥୁ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, କି ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାହା ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବା, ତ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମ ସେଇ ଜିନିଷରେ, ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍, ତାକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଚିଭ୍ କରିବା, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ବିନା କଷ୍ଟରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତା'ପରେ ଏବେ ମୋର କିଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବି ମିଳିଯାଉଛି, ସୋ ତା'ପରେ କାମ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତ ମୋର ଇନକମ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ତା'ପରେ
काम बिक्री हेला परे काम भी बिक्री होची सेल भी होची सॉरी एडिशन भी होची सीमा 2019 रे 2019 रे मते कला साक्षी स्कॉलरशिप भी मिलतिला सेथरे भी मोर मते बहुत हेल्प करतिला मास्टर्स टाइम रे 2020 रे मते ओडिसा ललित कला एकेडमी रे स्टेट अवार्ड मिलतिला 2020 मार्च 13 तारीख रे हम राज्यपाल डॉक्टर एंड प्रोफेसर श्री गणेश लाल मते अवार्ड देथिले तापर मोर से ही मास्टर्स कंटिन्यू चलता टाइम मत बहुत गुड़ाए अवार्ड भी मिलता कला साक्षी स्कॉलरशिप अवार्ड खोज सपोर्ट ग्रांट सृष्टि सृष्टि सपोर्ट ग्रांट तापर आबे रिसेंटली मत 2021 सीमा गैलरी कोलकाता रु सीमा मेरिट अवार्ड मिली मो काम को लेकिन आज मुझे स्टेट अवार्ड पाई मो काम वेटिंग लिस्ट था तो वेटिंग लिस्ट पाई से मो पेंटिंग पाई मत स्टेट अवार्ड मिलता से 2020 रे तो एमती मो जर्निंग मो सब अचीवमेंट मत बेले खुशी दिए मत आग को काम करने प्रोत्साहन दिए इंस्पायर करे इंस्पायरेशन दिए तो मु भी आग को आहुरी बहुत काम कर रिसर्च कर लेकिन जीवार अच्छी तो मुझे यूथ मानक ये कह कि लाइफ रे भांगी जीवे माने लाइफ रे तो भल टाइम अच्छी खराब टाइम खराब टाइम अच्छी तो भल टाइम तो आम भल भल आक्सेप्ट कर भल कथा बट खराब टाइम जो आम भांगी जावा कि आम भाग ना आम हो मानने काम आम करूँ कि एमती प्रोब्लेम हो तो सहीटा आम न भाविकी तो आमको आग को जीवार अच्छी आग को काम करार अच्छी ये बस लास्ट को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देवी टैलेंटेड ओडिशा टीम मेंबर्स देवाशीष भाई को मोर मो बापा माँ मो टीचर्स समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवी मत आग को लेकिन जीवापी मत गोटे रास्ता देखे थ तो नमस्ते।